तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूं कि हमारे घर में घुसकर चोरी करने की हिम्मत की तुमने। चोर के घर कौन चोरी करने आता है ठाकुर? गांव के मासूमों की जिंदगी जो तुमने तिजोरी में कैद करके रखी थी, आज मैं उन्हें आजाद करवाने के लिए आया हूं। अब मैं तुझे तेरी जिंदगी से आजाद कर देता हूं। जी तो चाहता है कि इन गोलियों से तुम्हारे बदन पर ताजिरात हिंद की तमाम दफाएं लिख दूं ठाकुर, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे गुनाह की सजा क्या होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पहले इस गांव से तुम्हारे पाप की सल्तनत को मिटाऊंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। फिर मौत के बाद मौत, तुम्हें कई मौतें मारूंगा। चलो ठाकुर साहब, आप सोचिए मत। जब हम आपके साथ हैं तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये साले गांव वाले तो टोटल के टोटल डैम फूल हैं। अच्छी बात को ये लोग समझते ही नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। अब बताइए, इन्हें खेती करने की क्या जरूरत है? पिंजरे का पंछी भला घोंसला बनाता है? जब आप इन्हें दाना, मेरा मतलब खाना दे ही रहे हैं, तो साले खाएं, मौज करें, है कि नहीं? और अब तो शराब का कारखाना भी खुलने वाला है, तो साले खाएंगे भी और पिएंगे भी, है कि नहीं? ठाकुर साहब, आपकी खुशी हमारी खुशी। आप तो खुशी की रात मना रहे हैं, लेकिन हम खुशी का दिन मनाएंगे। और यकीन मानिए कि उस खुशी की गूंज आपको हवेली तक सुनाई देगी, है कि नहीं? सही है। एक बात बताएं ठाकुर, आप घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, है कि नहीं? यहां खड़े क्या कर रहे हो? अंदर जाकर मेहमानों की देखभाल करो। याद रखना भीमा, जमीनें तो हम लेकर ही रहेंगे। जमीन तुम्हें जरूर मिलेगी ठाकुर, लेकिन सिर्फ उतनी जितने में तुम्हारी चिता जल सके।